सदासिन्नो सदासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहा किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहा था भारत की खोज में मैं इतने दिन मसरूफ तो रहा मगर आखिर कुछ पाया भी कि नहीं। क्या यह महज मेरी गुस्ताखी थी कि मैंने हिंदुस्तान के चेहरे से नकाब हटाकर देखना चाहा कि अब उसका असल रूप क्या है और माजी में क्या रहा होगा। आज हिंदुस्तान 80 करोड़ मर्द औरतों का वतन है, जहां हर एक अपने अलग ख्याल और तसव्वुर की दुनिया में रहता है। जब आज ये कैफियत है तो उन अनगिनत इंसानों की बेशुमार नस्लों के अतीत को समझना और भी दुश्वार है। लेकिन कुछ तो है जिसने इन सब को एक ही सूत्र में बांधा था और आज भी बांधे हुए है। हिंदुस्तान एक ज्योग्राफी और माशी इकाई है जिसकी तहजीब अनेकता में एकता को अपनाती रही है, उन विरोधाभासों का पुलंदा है जो मजबूत मगर महीन जंजीरों से जुड़ा है। पुरानी गाथाओं की तरह उसमें मायावी स्वरूप है, वो एक अफसाना है, एक ख्याल है, एक ख्वाब है, एक प्रतीक है, मगर साथ साथ ठोस हकीकत भी है, मौजूद और व्यापक। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि मुझे भारत से प्रेम है, मगर इसलिए नहीं कि मैं भूगोल की देवी मूर्ति का पुजारी हूं, ना ही इसलिए कि मैंने इत्तफाक से इसकी धरती पर जन्म लिया है, बल्कि इसलिए कि भारत ने युग युगांतर की उथल पुथल में भी उन जीवंत वाक्यों को जिंदा रखा है जो उसकी महान हस्तियों की दीपित चेतनाओं की देन थी। आदिकाल से ही भारतीय विचारक सृष्टि के रहस्य के बारे में सोचने लगे और ऋग्वेद के मशहूर नासदीय सूक्त ने जो सवाल उठाए वो आज के आधुनिक वैज्ञानिक विचार के कितने करीब लगते हैं। ना सदा सिन्नो सदा सिद्दानीम ना सिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं न मृत्युरासीद् अमृतं न तर्हि न राद्या अनासीत् प्रकेता
सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या, कहा, किसने ढका था, उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। नहीं थी मृत्यु थी अमरता भी नहीं, नहीं था दिन रात भी नहीं, हवा भी नहीं, सांस थी स्वयमेव फिर भी, नहीं था कोई कुछ भी परम तत्व से अलग या परे भी। कर वह जगह कवियों ज्ञानियों ने जाना, असत और सत का निकट संबंध पहचाना। पहले संबंध के किरण दाग तिरछे, परम तत्व उस पल ऊपर या नीचे, वह था बटा हुआ पुरुष और स्त्री बना हुआ, परदाता वही मोक्ता नीचे वसदा सदा हो गया। सृष्टि ये बनी कैसे, किससे आई है, कहां से, कोई क्या जानता है, बता सकता है, देवताओं को नहीं ज्ञान, वे आए सृजन के बाद, सृष्टि को रचा है जिसने, उसको जाना किसने। सृष्टि का काम है करता, करता है वह अकर्ता, ऊंचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता, वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता, है किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं है पता। उत्तर वैदिक काल में रचे उपनिषद इसी ख्याल को आगे बढ़ाते हैं। आत्मा क्या है, सृष्टि और रचयिता क्या एक हैं या अलग? कठोपनिषद में नचिकेता और यम के वार्तालाप में इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश की गई है। महाराज, वो क्या है जो धर्म और अधर्म से अलग, कर्म और त्याग से परे, भूत और भविष्य के उस पार है? नचिकेता, जिस पद और लक्ष्य की महिमा वेद गाते हैं, जिसके लिए तपस्या की जाती है, जिसके लिए मनुष्य व्रत अनुष्ठान करता है, गहन अध्ययन करता है, वो एक ही शब्द में समाया हुआ है। वो शब्द है ओम। ये शब्द ही ब्रह्म है, यही परम है। जो इसे जान लेता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मुक्ति को प्राप्त करने का यह सबसे ऊंचा साधन है, सबसे बड़ी उपासना है। वो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, अजन्मा है, अमर है, सनातन है, नित्य है, पुरातन है। मृत्यु के बाद शरीर की समाप्ति हो जाती है, पर वो सतत विद्यमान रहता है। नचिकेता, अगर मारने वाला सोचता है कि मैं मारता हूं, और मरने वाला सोचता है
कि मैं मर गया हूं तो दोनों ही ना समझ है, दोनों अज्ञानी हैं। मनुष्य के भीतर बैठा सनातन न तो मारता है न मरता है। महाभारत रामायण महागाथाओं के युग में जब सत्ता और नैतिकता के सवाल उठे तो शांति पर्व और भगवत गीता में उन पर गंभीरता से विचार किया गया। अर्जुन को भगवान कृष्ण का उपदेश इस कश्मकश को स्पष्ट करता है। इसके बाद हर युग में गीता के नए अर्थ खोजे गए। हे कृष्ण, अपने ही बंधु बांधवों को युद्ध की इच्छा लिए तैयार खड़ा देख मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं, मुंह सूखा जाता है, शरीर कांप रहा है, भयानक रोमांच होता है, गांडीव धनुष हाथ से फिसला जाता है, सारी त्वचा जली जा रही है, मैं अटल खड़ा रहने में भी असमर्थ हूं, मन भ्रमित हो रहा है, बुरे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हे केशव, युद्ध में स्वजनों को मारने में मुझे कोई भलाई नहीं दिखाई देती, नहीं चाहिए मुझे विजय, राज्य, सुख। ऐसा राज्य हमारे किस काम का, ऐसे सुखों या ऐसे जीवन से क्या लाभ, जिनके लिए हम राज्य, विलास और सुखों की कामना करते हैं वे सब तो यहां अपना जीवन धन छोड़कर खड़े हैं। गुरु, पिता, पुत्र और पितामह, चाचा, ससुर, पोते, साले और दूसरे सगे संबंधी, नहीं हे कृष्ण, यदि ये मुझे मार भी डालें तो भी मैंने नहीं मारूंगा। धरती तो कम है, 3 लोक का राज्य भी मुझे मिले तो भी मैं इनका वध नहीं करूंगा। हे अर्जुन, संकट की इस घड़ी में ये निराशा कैसी? श्रेष्ठ जन तो सदा इससे अपरिचित रहते हैं, ये भावना तो अपयश का कारण है। अर्जुन, नापुंसक ना बनो, पार्थ तुम्हें यह शोभा नहीं देता। हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को छोड़ हे शत्रु विनाशक, उठ खड़े हो। मधुसूदन, भीष्म पितामह और गुरु द्रोण पर इस युद्ध में कैसे तीर चलाऊंगा मैं, दोनों पूज्य है मेरे, ऐसे सम्मानित गुरुओं का वध करने से तो इस लोक में भिक्षा मांग कर जीना अच्छा। मैं कायरता के दोष में डूबा हुआ हूं, मति मारी गई है मेरी, कर्तव्य की राह से भटक गया हूं मैं, इसीलिए पूछता हूं हे कृष्ण, मुझे वो उपाय बताएं जो निश्चित ही कल्याणकारी हो। मैं आपका शिष्य, आपके शरण में हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, और फिर बुद्धिमत्ता की बातें कर रहे हो। अर्जुन, बुद्धिमान तो कभी मरे हुओं या जीवित लोगों के लिए शोक नहीं करते। ऐसा कोई काल नहीं हुआ जिसमें मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो या ये राजपुरुष ना रहे हों, और ऐसा कोई काल होगा भी नहीं जिसमें हम सब ना रहें। जैसे कोई मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़ नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़ दूसरे शरीर को धारण करती है। अपने कर्तव्य को देखते हुए तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से कल्याणकारी और कुछ नहीं होता। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर कभी नहीं। कर्मों का फल तुम्हारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी ना हो कि कर्म ना करने के प्रति तुम्हारी आसक्ति बढ़े। फिर आगे चलकर भगवान बुद्ध ने इसरार किया कि रिवायत और लीक के मुताबिक सोचना गलत है, तर्क से जो पहचाना जाए वही सही है, जिसे इंसान अपनी समझ बूझ से स्वीकारता है। मत करो विश्वास, मत करो विश्वास केवल इसलिए
क्योंकि वो तुमको बताया है, या कि वो परंपरा से पास आया है, या कि उसको स्वयं तुमने सोचकर अपना लिया है। मत करो विश्वास उसका जो कहा गुरु ने तुम्हारे, क्योंकि श्रद्धा है तुम्हारे हृदय में गुरु के लिए। तुम परीक्षण करो, स्वयं ही उचित विश्लेषण करो, और जब पाओ कि कोई एक विचार सबके लाभ का है, बहुजन की भलाई का, कल्याण का, सब प्राणियों के, तुम करो विश्वास उसका और जुड़कर रहो उससे। वही केवल एक होगा पथ प्रदर्शक, क्योंकि वो विश्वास होगा स्वनिर्मित, इसलिए होगा सुनिश्चित। भगवान बुद्ध के अनुयायी सम्राट अशोक महान की चेतना को हिंसा, अहिंसा, सद्भाव और सत्ता के सही और गलत उपयोग के सवालों ने उलझाया। जय हो महाराज। जय विजय अपशब्द जैसे लगते हैं। अच्छा किया तुम चले आए, मन की शांति तो मिली। इतने बड़े युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद भी इतना अशांत, क्या बात है भाई? तुम ही बताओ तिस्सा, क्या मेरे बच्चे की मृत्यु दैवी प्रकोप के कारण हुई कि मुझे मेरे पापों का दंड मिल जाए? कैसे पाप? लाखों सैनिकों के रक्त से हाथ सने हैं मेरे, क्या मृत आत्माएं मुझे दंड देना चाहती हैं? देख रहा हूं कि पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं आप। अच्छा है अभी तक आत्मा मरी नहीं। भाई अशोक, आप अपने बच्चे की मृत्यु के उत्तरदायी नहीं, किंतु उन लाखों सैनिकों की मृत्यु के उत्तरदायी अवश्य हैं। मैं क्या करता, साम्राज्य की रक्षा के लिए करना पड़ा। साम्राज्य? गौतम बुद्ध का कहना है कि जिस राजा ने धरती का एक टुकड़ा जीत लिया है, वो दूसरा भी जीतना चाहेगा। सारी धरती जीतने के बाद वो आकाश पर राज करना चाहेगा। इसी प्रकार मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी, अधूरी इच्छाएं ले ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और साथ में कुछ नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। अशोक, मुट्ठी बांधे आना है, हाथ पसारे जाना है। मैं क्या करूं मेरे भाई? गौतम बुद्ध के शरण में आ जाइए, इसी में आपकी मुक्ति है। एक योद्धा के जीवन कर्म और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में विरोधाभास है तिस्सा। सम्राट के रूप में मेरे कुछ कर्तव्य हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षा, सबको समान समझो, सबसे प्रेम करो, क्या यह शिक्षा मुझे अपराधियों को दंड देने की अनुमति देगी? क्यों नहीं, दंडनीय को दंड और प्रशंसनीय को प्रशंसा मिलनी ही चाहिए। अपराधी को दंड राजा की भावना के कारण नहीं, उसके दुष्कर्मों के कारण मिलता है। और युद्ध में हुआ रक्तपात अकारण है तो निंदनीय है, किंतु शांति स्थापित करने के सभी प्रयत्नों के बाद यदि कोई राजा युद्ध में उतरता है तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस स्थिति में वो शत्रुओं के हाथ मारा भी जा सकता है। यदि वो विजयी होता है तो उसे सांसारिक वस्तुओं की क्षणभंगुरता को नहीं भूलना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि कुछ भी स्थायी नहीं है, उसकी विजय भी नहीं। एक ही उपाय है, स्वयं को शांत रखकर अपने मन से घृणा निकाल दे, विरोधी को अपने बराबर का स्थान देकर कहें
आओ आओ, हम शांति से रहेंगे, भाई बनकर रहेंगे। अशोक, कलिंग के युद्ध में आपको महान सफलता प्राप्त हुई है, किंतु जब आप स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो यह सफलता महानतम होगी। तुमने सत्य के सत्व को पा लिया है तिसा, तुम मेरे साथ वापस राजप्रसाद चलो, मेरे गुरु बनकर। नहीं, यह संभव नहीं है मेरे लिए, ना मैं इस योग्य ही हूं। चौमासा बीत चुका है, अब भ्रमण करना होगा। भ्रमण के लिए बाद में चले जाना, अभी मेरे साथ राजप्रसाद चलो। गौतम बुद्ध ने हमारे लिए कुछ नियम बनाए हैं, उनका पालन करना ही होगा। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। एक भिक्षु का जीवन जी सको तो चलो, पेट की आग बुझाने के लिए भिक्षा मांग सको तो चलो, धरती को बिछोना मानकर आकाश ओढ़ सको तो चलो, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर। बस तिस्सा, मैं चलूंगा। फिर आए अप्पर जैसे भक्ति संत, जिन्होंने ऊंच नीच रीति अनुष्ठान सबको त्यागने की ठानी, और जिन्होंने निर्गुण या सगुण देवता और भक्त के बीच किसी दूसरे की आवश्यकता को नकारा। ये पागल ही नहीं अधर्मी भी है, पाप का प्रचार करता फिरता है। महाराज, राजमहल की चारदीवारी से बाहर निकलकर सुनिए कि लोग क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि वो इन पुरोहितों से डरते हैं, क्योंकि इनकी बातें उनकी समझ में नहीं आती। अहिंसा की बातें करने वाले इन लोगों से वो इसलिए डरते हैं क्योंकि वो उनकी कल्पना से कहीं अधिक क्रूर हैं। उनका कहना है कि भगवान ने इन्हें भुला दिया है। अच्छा, पर तू तो उन्हें सीख देता है कि जो कुछ पवित्र पावन है उसे छोड़ दो। मैं तो उन्हें सिर्फ ये शिक्षा देता हूं कि यदि वो भगवान के साथ संबंध बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। नीच जात के लोगों स्त्री को आरती उतारने की शिक्षा तुम ही देते हो ना? हमने जाना है कि भगवान हमारी कल्पना से कहीं अधिक दयावान है। वो छोटी जाति के लोगों या स्त्रियों से डरता नहीं है कि हम उसे इनसे छिपा कर रखें। क्या तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगता? देश निकाला, मौत, कोई भी व्यक्ति हमारा मार्ग नहीं रोक सकता। न हम मृत्यु से डरते हैं, न नर्क का भय हमें सताता। हमने स्वयं को प्रभु के चरणों में डाल दिया है, वही हमें ऊपर उठाएगा। रुकिए, आप कहां जा रहे हैं? वापस उन्हीं के शरण में। अगर आप हमारे साथ चल सकें तो चलें। जीवन में कुछ सार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है। जीवन में कुछ सार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है। हर क्षण हर दिन ऐसा गाता, मुझसे सौ सौ पाप कराता। हर क्षण हर दिन ऐसा गाता, मुझसे सौ सौ पाप कराता। मेरे हाथ आ जाए तो। भारत में इस्लाम के आगमन के बाद एक नया स्रोत मिला, जो अरब तहजीब में यूनानी और ईरानी असर को साथ मिलाकर यहाँ पनपा। अलबेरूनी जैसे विचारकों ने फिर भी सुल्तान को जिले सुभानी, यानी जिन पर खुदा का साया है, स्वीकारने से इनकार किया। तो अलबेरूनी, तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए? मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं हूँ अमीर महमूद, पर कैदी को अपनी ख्वाहिश पूरी करने की आजादी नहीं होती। अबू रेहान,
एक सुल्तान को इस तरह जवाब दिया जाता है? सुल्तान क्या होता है यह आपने कभी सोचा है? सुल्तान वो होता है जो तुम जैसे नजूमियों की मदद करता है, और सुल्तान वो होता है जो बिलाहक एक सल्तनत पर कब्जा करता है और फिर मजहब और मौके का सहारा लेकर बगदाद के खलीफा से इस नाजायज हक को जायज करने की इजाजत मांगता है। अपने तख्त को बचाने के लिए वो कई खानदानों, कबीलों और पुराने हुक्मरानों के मददगारों को गुर्बत और मुसीबत में डाल देता है। कुछ को माफ करता है, बाकी को खत्म करवा देता है। कुछ को कैदी बनाता है, बाकी के सर कलम करवा देता है, और बगैर ये सोचे कि उसे भी हश्र के दिन जवाब देना होगा। तुम एक रोशन दिमाग इंसान हो अलबेरूनी, मगर खेल के उसूल से नावाकिफ लगते हो। इस्लाम की मध्यकालीन सूफी प्रेम मार्गी परंपरा ने इश्क मजाजी यानी इंसान से प्रेम को इश्क हकीकी यानी खुदा के प्रेम का एक मार्ग या सीढ़ी माना। जुनून के तस्वूर को दुख और दीवानगी की हद तक भक्ति मार्ग का एक अंग बनाया, जैसा हमें खुसरो की फारसी हिंदी शायरी में दिखता है।
कैसो अलाराम सतसोई हमरे राम रहीम करीम कैसो अलाराम सतसोई बिस्मिल एक दिसंबर एक और ना दूजा कोई। उत्तर भारत के भक्ति संत कवियों ने फिर एक बार सारी रिवायतें उलटनी शुरू की, खास तौर से कबीर ने, जिन्होंने मजहब, जात, लिंग किसी भी फर्क को हिमाकत समझा और सिर्फ एक निर्गुण ईश्वर को स्वीकारा। हमरे राम रहीम करीमा, 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 कैसो अला राम सत सोई बिस्मिल बेट दिसंबर एक। रुक जाओ। ये यहाँ क्या चल रहा है? क्या बड़ा, यहीं पर कबीरदास का सत्संग होता है और वो आदमी है कबीरदास, उसे यहाँ बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कबीरदास जहाँ बना बुला रहे हैं। अच्छा तो तुम ही कबीरदास हो, मैंने तुम्हारा नाम तो सुना था, मैं तुमसे मिलना चाहता था। यहां ये क्या कर रहे थे? भगवान का नाम लेते हैं साहब। तुम सिर्फ दरवेशी ही करते हो या कोई और काम धंधा भी करते हो? मेरा मतलब है कि भीख मांगकर खाते हो या? जुला हूं साहब, कपड़ा बुनता हूं। वो मेरा गुरु भाई रायदास चमार है, सेना नाई का काम करता है और बशीरा बिजती है। अच्छा तो तुम फकीर नहीं हो, मैं सोचे बैठा था कि तुम फकीर हो, तुम फक्त खुदा की इबादत करते हो, तुम तो दुनियावी आदमी हुए। मैं तो खुदा का बंदा हूं साहब, मेरा मजहब इंसान की मोहब्बत है, खुदा की बंदगी है। तुम्हारा कोई दीन तो होगा ही, तुम इबादत तो करते होगे। मैं तो उस खुदा की इबादत करता हूं जो हर इंसान के दिल में रहता है। इस घट अंतर बाग बगीचे इसी में सृजनहारा, इस घट अंतर सात समुंदर इसी में नौ लख तारा, इस घट अंतर पारस मोती इसी में परखन हारा, इस घट अंतर अनहद गर्जे इसी में उठत पुहारा, कहे कबीर सुनो भाई साधो इसी में साई हमारा। मगर ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं हुआ, मैं फिर पूछ रहा हूँ फकीर कि तुम्हारा मजहब क्या है? मैंने मजहब छोड़ दिए हैं साहब। मजहबों को छोड़ दिया है, ये कैसे हो सकता है? अभी तो तुम खुदा की जात की बात कर रहे थे। पर खुदा की जात तो कोई मजहब नहीं है, रोजा नमाज मजहब है, पूजा पाठ मजहब है, व्रत उपवास मजहब है। तो फिर जो तुर्क रोजा नमाज न रखे वो तुर्क नहीं है, जो हिंदू व्रत उपवास न करे वो हिंदू नहीं है। ठीक ही तो है, पर मैं हर इंसान को हिंदू और तुर्क की नजर से नहीं देखता। हिंदू हिंदू है, मुसलमान मुसलमान है, हिंदू का बेटा हिंदू ही तो होगा। पर जन्म से तो सभी इंसान है, वरना ब्राह्मण का बेटा माँ की पेट से तिलक लगाकर पैदा होता और तुर्क का बेटा खतना करके। ये क्या बक रहा है फकीर? तुम्हारे ये फलसफे तुम्हें बहुत दूर नहीं ले जाएंगे। मुझे बहुत दूर नहीं जाना है साहब, मैं तो सिर्फ अपने मालिक के चरणों तक पहुंचना चाहता हूँ, एक इंसान के दिल से दूसरे इंसान के दिल तक जाना चाहता हूँ। ये आदमी दीन की तौहीन करता है, रोजा नमाज को बुरा भला कहता है, यहाँ तक कि मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर उल्टा सीधा बकता रहता है। मैं तो सोच रहा था कि मैं तुम्हें दिल्ली लेकर जाऊंगा और शेख तकी साहब से मिलवाऊंगा, मगर मैं देख रहा हूं कि तुम खपती और जनूनी आदमी हो और अपनी ऊल जलूल बातों से यहां बदअमनी फैला रहे हो। बोलो तुम्हारा मजहब क्या है? एक निरंजन अल्लाह मेरा, हिंदू तुर्क दुई नहीं मेरा, पूजा करूं न नमाज गुजारूं, एक निराकार हृदय नमस्कारूं, ना हज जाऊं न तीर्थ पूजा, एक पिछाणी तो क्या दूजा, कहे कबीर भरम सब भागा, एक निरंजन सो मन लागा। इसे शहर से बाहर ले जाओ और हटाओ इन लोगों को यहां से। निर्भय निर्गुण गाऊंगा, मोको कहां ढूंढेरे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। आज का दिन एक बहुत ही खास दिन है,
मैंने आप सबको इसलिए यहां बुलाया है क्योंकि आप सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं। कबीर के विचारों को आगे बढ़ाकर मुगल बादशाह अकबर ने सद्भाव और भाईचारे की ओर अपनी तरफ से एक कदम लिया। आप समझ सकेंगे कि मैं जिस दीन इलाही का ऐलान करने जा रहा हूं उसके माने क्या हैं? राजा मानसिंह जी, आप इस दीन इलाही के शागिर्दी कबूल करना पसंद करेंगे? हुजूर, मैं तो अपनी जान हमेशा हथेली पर रख कर चलता हूं। शागिर्दी का इससे बड़ा प्रमाण कौन ही दे सके, पर जब इसका मतलब कोई और धर्म से है तो एक बात साफ है, मैं हिंदू हूं। पर आप हुक्म करो तो मुसलमान भी हो जाऊंगा। इन दो धर्म को छोड़ मारे को और कोई धर्म कौन ही दिखे। राजा मानसिंह, डरने की कोई बात नहीं। तीने इलाही को कबूल करने के लिए किसी किस्म का दबाव या जबरदस्ती नहीं है। फिर भी आपका जवाब सुनकर ऐसा लगा कि इस नए मजहब के बारे में लोगों के दिमाग में कोई गलतफहमी है। तीने इलाही सिर्फ एक इंसानी फर्ज है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि हर बादशाह के लिए इंसाफ और अपनी रियाया के लिए बेहतरी से बढ़कर कोई इबादत नहीं। तकरार तब शुरू होती है जब हुक्मरान हुकूमत के मसलों को नजरअंदाज करके दीगर मामलों में उलझ जाते हैं। जी जनाब। क्यों खुदा बख्श। और ठीक वैसे ही जब कोई मजहबी सल्तनत के मामलों में हिदायत देने लगता है। हम नहीं चाहते कि हमारी सल्तनत कदामत परस्ती का शिकार बन जाए और उसका इस्तेमाल सिर्फ किसी एक खास मजहब की तरक्की के लिए किया जाए। जब ऐसा होता है तो सल्तनत की तरक्की नहीं हो सकती। तरक्की तब भी नहीं होती जब हुक्मरान मजहब और सियासत के बीच में झूलने लगता है। आपने ठीक कहा हुजूर, एकदम ठीक। इसलिए हम ये तीने इलाही का ऐलान कर रहे हैं। इसको कबूल करने वाले के लिए चार चीजों की कुर्बानी देना जरूरी है और वो चार चीजें ऐसी हैं जिनसे आम लोग बेहद मोहब्बत करते हैं। बताओ अब्दुल फजल। तीने इलाही कबूल करने वालों को अपनी तमाम जायदाद, जिंदगी, शोहरत और अपने अकीदे को बादशाह के नाम कुर्बान करने को तैयार होना चाहिए। तो बताइए, आप में से दीन इलाही का पहला मुकल्लिद कौन बनना चाहता है? हुजूर, क्या ये शर्फ मुझे हासिल होगा? अकबर के परपोते औरंगजेब और शिवाजी में इसी मुद्दे पर वाद विवाद हुआ। शिवाजी, आप खफा होकर भरे दरबार से उठकर चल दिए, क्या हम इसकी वजह पूछ सकते हैं? दक्कन के राजा को पंच हजारियों के बीच खड़ा करना क्या आपको शोभा देता है? जाहिर है, इतना छोटा ओहदा आप कबूल करने को तैयार नहीं। यह हमारे कारकुनों की गलती है। हम आपके साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। आप हमारे छोटे भाई जैसे हैं। आपके भाइयों के साथ क्या सलूक किया गया है यह हमें अच्छी तरह मालूम है। शिवाजी, हम आपकी साफगोई की दाद देते हैं। हम मराठों के साथ दुश्मनी नहीं बढ़ाना चाहते। आप जो सुलहनामा चाहते हैं कहें, हमें मंजूर है। हम
हम आपकी तख्त नशीनी को भी मंजूरी बख्शने के लिए तैयार हैं। यानी हम आपकी इजाजत के साथ राज्याभिषेक करा सकते हैं। आप बहुत जल्द खफा हो जाते हैं। इस मुल्क में चला आता 200 साल पुराना दस्तूर यही रहा है। मुगल साम्राज्य खुद 200 साल पुराना नहीं है हुजूर। और बाकी राजा दिल्ली की मेहरबानी के मोहताज रहे, ये परंपरा तो 100 साल पुरानी भी नहीं है। मगर इन 100 सालों में किसी ने आजाद राज कायम करने का ख्वाब नहीं देखा है। अनेक वर्षों के बाद दक्कन के एक हिस्से में हमने अपना राज्य बसाया, जहां इससे पहले बद इंतजामी के अलावा और किसी का राज नहीं था। क्या वहां की बद इंतजामी के जिम्मेदार हम हैं? वो इलाका आपका था कब? आपकी जिम्मेदारी तो बस इतनी है कि आपने अपने बुजुर्गों की बनाई हुई लीक को छोड़ दिया। हमारे बुजुर्गों ने क्या कर दिखाया है इसे हमें आपसे सुनने की जरूरत नहीं है। आपने जो नीतियां अपनाई हैं उससे देश का कल्याण कभी नहीं हो सकता। शिवाजी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे सामने हमारी तबाही की बात करो? अगर हमने राजा जयसिंह से वादा ना किया होता तो इस हिमाकत की कीमत तुम्हें अपना सर देकर चुकानी पड़ती। हम तुम्हें रुख्सत देते हैं। अगर तुम दिल्ली के तख्त के साए में नहीं रहना चाहते तो मत रहो। हम भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। राम सिंह, इसे सलाबत खां की हवेली में रखा जाए, कड़े पहरे के साथ। जा अपना, हमारे वालिद साहब। फिर एक नई शक्ति, एक नई तर्ज फिक्र हिंदुस्तान आ पहुंची। 18वीं सदी में यूरोप के साम्राज्यवाद ने अंग्रेजों में इतना घमंड और इतनी खुदएतमादी भर दी कि वो देखते देखते हिंदुस्तान के मालिक बन गए। I doubt if we'll meet another adversary like Chippu again, sir. This battle will serve as a warning to other Indian rulers not to invite other powers to try and drive us out of India. They will now realize that the East India Company is the supreme power in India. But sir, every country wants to be independent. No. It is the manifest destiny of the natives of India to prosper under the benign rule of the British rather than under some corrupt oriental despot. जिस दौर में यूरोप में औद्योगिकरण और तर्कवाद पनप रहा था, तब भारत के कुछ हिस्सों में, खासतौर से बंगाल और महाराष्ट्र में, उनका असर महसूस किया गया। लेकिन उत्तर भारत के परंपरा में जकड़े समाज ने इसका प्रतिरोध किया, जिसका नतीजा था 1857 की बगावत। इधर सिपाही था बना असंतोष का धाम, गरज उठा एक सिंह था मंगल पांडे नाम। चूड़ी पहने हो का? अरे सुख तुम्हें भगवान की, अपने पिता, अपनी मैया की। अरे कब तक दावे करोगे जुलुम जबरदस्ती? अब तो आंखें खोल के देखो, कब होश में आओगे जब धर्म भ्रष्ट हो जाओगे? कड़ा बाहर, ए मरद बच्चा, निकलो बाहर। का पगलाए गए होगा मंगल पांडे, का करत हो, का करत हो? बुला सिपाही इनको, तेरी आंखें फूट गई हैं का? अरे गौरन की पलटन आ रही है, कल ही आधी नदी किनारे उतरी, कल आवेगी, परसों आवेगी, हम सब उनको काट भून के नदिया में बहा देगी। उन सबन को जो मुंह से कारतूस नहीं छीलत है, बजा गड़िया तू, बजा। रेफर उठावे का टाइम आ गया भैया, फरवेल हो जाएगी। 5,000 गौरन की पलटन आ रही है, खत्म करो ससुरन को। काहे ठाड़े, काहे ठाड़े, का धर्म गवाई के नरक में सड़ोगे का? उठाए रेफल और मिटाए दे अंग्रेजन का। जय काली, जय बजरंग बली, या अली। ए, कौन है तू? हम मंगल पांडे। इधर काय को आया ब्लडी फूल?
राइफल के गाय को चिरा था। पंख का नशा नहीं उठा। चुप रहना मानता। अब तुम्हारा राज खत्म होगा। जाओ अपने मुल्क को, जाओ। हम तुमको दो मिनट का टाइम देता। नशा में है बदतमीज। चलो उसको पकड़ो। राइफल भरी हुई है हुजूर। ब्लडी कावर्स तुम सब। काला रंग का पैदाइशी कायर साला। मैं अपनी बात कह दिया बॉस मातुआ। सुनो उनका। देखा देखा तुम लोगों ने कितना आसान है। गुरुन का भी खात्मा कर दे सकते हम। एक तरह की जरूरत नहीं है। चलो चलो और खत्म करो। राम मोहन राय और उनके बाद विवेकानंद जैसे सुधारक जानते थे कि अंग्रेजों का मुकाबला हथियारों से नहीं विचारों के मैदान में ही होने वाला है और जब तक हम अपने समाज में परिवर्तन नहीं लाएंगे हमें आजादी नहीं मिलेगी। मगर परिवर्तनों के बावजूद आजादी हासिल नहीं हुई। जातिवाद एक ऐसी सामाजिक प्रथा है जो हमारी कई महान हस्तियों ने मिटाने की कोशिश की। बौद्ध धर्म से लेकर हर मत ने जातिवाद के खिलाफ प्रचार किया और हर बार जातिवाद की जंजीरें और ज्यादा जटिल होती चली गईं। गौतम बुद्ध से लेकर राजा राम मोहन रॉय तक सब ने जातिवाद को एक धार्मिक नियम मानने की गलती की और इसलिए जातिवाद के साथ धर्म का भी विरोध किया और हमेशा नाकामयाब रहे। पुजारियों की बकवास के बावजूद जातिवाद एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो अपना काम तमाम करके अब भारत के वातावरण में सड़ांध फैला रही है और इसे तभी हटाया जा सकता है जब जनता को उनका गुमशुदा सामाजिक व्यक्तित्व लौटाया जाए। आजकल के हिंदुओं का धर्म ना तो मोक्ष और ज्ञान की खोज है और ना ही तर्क की तलाश। वो तो है मत छुओ वाद। मुझे मत छू, हाथ मत लगा, परे हट। ले देकर यही वर्णन रह गया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि मत छुओ वाद के इस बंधन को तोड़ डालूं और फौरन खड़ा होकर बोलूं, फौरन पुकारूं कि इधर आओ, यहां आओ। वो सब जो पीड़ित है, शोषित है, गरीब है, लाचार है, सब यहां इकट्ठे हो जाओ क्योंकि तुम सब हमारी ही तरह इंसान हो और जो अधिकार हमारे हैं उन पर तुम्हारा भी उतना ही हक है। जब तक वो नहीं उठेंगे तब तक हमारी मां भी जागृत नहीं हो पाएगी। सामाजिक परिवर्तन जारी रहा लेकिन महज सुधार काफी नहीं थे। असल मुद्दा था आजादी। कांग्रेस के गरम दल ने स्वराज की मांग स्पष्ट रूप से सबसे पहले उठाई। पिछले साल स्वराज्य का झंडा फहराया था द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया ने, दादा भाई नवरोजी ने। मेरा लक्ष्य है स्वराज्य। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। असल मायने में अहिंसा का अर्थ है दुख का ग्रहण। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि कुकर्मी या पापी की मर्जी के आगे चुपचाप सर झुकाओ, बल्कि अत्याचार के खिलाफ अपनी पूरी आत्मा का जोर लगाओ। इस सिद्धांत को लेकर यह मुमकिन है कि सिर्फ एक तन्हा व्यक्ति एक संपूर्ण अनैतिक साम्राज्य को ललकारे,
अपनी इज्जत आबरू, अपने विश्वास और अपनी आत्मा के बचाव के लिए, और इस तरह वो उस साम्राज्य के पतन या पुनर्जन्म की नींव डाल सके। मैं हिंदुस्तान को इसलिए अहिंसा अपनाने के लिए नहीं कह रहा कि वो कमजोर है, बल्कि मैं उससे अहिंसा का आचरण इसलिए चाहता हूं ताकि उसमें अपनी शक्ति और क्षमता की चेतना बढ़े। इसके लिए अस्त्र शस्त्र के अभ्यास की जरूरत नहीं, क्योंकि हथियार की जरूरत तब पड़ती है जब हम अपने आप को महज मांस का एक लोथड़ा मान लें। मैं चाहता हूं भारत यह पहचाने कि उसकी आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती और वो हर जिस्मानी कमजोरी से ऊपर उठकर विजय पा सकती है, सारी दुनिया की ताकत को ललकार भी सकती है। आप मुझे गलत न समझें, शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं मिलती, वो मिलती है दृढ़ निश्चय से। महात्मा गांधी की इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद। गांधी जी के विचारों ने गांव गांव में आंदोलन फैलाया और 1930 में मर्द, औरतें, बच्चे सब बलिदान के रास्ते पर उमड़ पड़े। तुम लोग आगे मत बढ़ो वरना हम गोली से उड़ा देंगे। अहिंसावादी या कुछ भी, तुम खेत के इस तरफ नहीं आ सकते। ये खेत हमारे हैं। ये खेत बिक गए स्वर। भाई साहब, ये धरती हमारी, तुम भी हमारे, हम सब भारत माता के बच्चे हैं। मैं तो आपको आखिरी बार बोलता हूँ, आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते वरना मैं गोली चला दूंगा। आगे बढ़। चला गए थे भैया, कुछ भी अंग्रेजी सरकार के हाथ में ना पड़े ऐसा ही करते। चलो चलो। ।1942 में जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया तो सारे नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, फिर भी आंदोलन एक बाढ़ बनकर फैलता रहा। भाइयों, अभी हमने ट्रेन को रोका, अगर अंग्रेजों ने भारत नहीं छोड़ा तो हम पूरे देश को रोक देंगे। हमारा सौभाग्य है कि बनारस से आए हुए ये नेताजी हमारे साथ हैं। हम चाहेंगे कि गांधी जी के नए आंदोलन के बारे में हमें बताएं। इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद, महात्मा गांधी की जय। साथियों, मैं बनारस से आ रहा हूं, वहां भी जनता में आप जैसा उत्साह और आक्रोश मौजूद। आप लोगों तक यह खबर तो पहुंच ही गई होगी कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके किसी अनजान जगह भेज दिया गया है। ये अंग्रेज चाहते हैं कि हमारे नेताओं का संबंध जनता से कट जाए, लेकिन ये अंग्रेज ये नहीं जानते कि गांधी जी ने कहा है कि ये उनकी अंतिम लड़ाई है और इस जन आंदोलन में हर आदमी खुद अपना नेता होगा। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। साथियों, गांधी जी ने इस अंतिम युद्ध के लिए
हमें सिर्फ एक मंत्र दिया है, गुलाम रहकर जीने के काबिल नहीं हम। गांधी जी ने कहा है करो या मरो, लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है साथियों, वो है अहिंसा। करो या मरो कहा है गांधी जी ने, करो या मारो नहीं कहा है। इसीलिए हम आहुति देंगे अपनी, पर किसी की जान नहीं लेंगे, चोट नहीं पहुंचाएंगे किसी को भी। पर हम करें क्या? गांधी जी ने कहा है क्या से हम अपने आप को आजाद मान लें, अंग्रेजों की गुलामी मानने से इंकार कर दो। मतलब ये कि हम असहयोग करें सरकार से, सरकार की संस्थाओं से, सरकार के पिट्ठुओं से। भाइयों, हमने बलिया में पूरी हड़ताल का नारा दिया है, अगर अंग्रेजों ने भारत नहीं छोड़ा तो आज से बाजार, दुकानें, दफ्तर सब बंद रहेंगे। अब चाहे अंग्रेजी सरकार हमें जेलों में घुस दे या हमारा सिर काट दे। महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! इंकलाब जिंदाबाद! और फिर 15 अगस्त 1947 को हमने आजादी हासिल की। Long years ago, we laid the fist with destiny. हमने मुकद्दर के साथ मिलन की बेला तय की थी और वक्त आया है कि अपनी सौगंध को साकार करें, पूरी तरह ना सही मगर काफी हद तक। रात के अंधेरे में जब 12 का गजर होगा तो सारी दुनिया नींद में गाफिल होगी, तब हिंदुस्तान उठेगा नई जिंदगी और आजादी की सुबह में। तारीख में कभी कभी ही ऐसा क्षण आता है जब हमें पुराने से निकलकर नए में जाने का मौका मिलता है, जब एक युग खत्म होता है, जब एक कौम की अरसों तक दबी रूह को फिर से अपनी आवाज मिलती है। तारीख के पौ फटते ही हिंदुस्तान ने अपनी अंतक जुस्तजू की शुरुआत की थी। बेसुराग सदियां भरी हैं इसकी जद्दोजहद और इसकी कामयाबियों और नाकामियों की अजमत से। खुशहाली हो या बदहाली, इसने उन आदर्शों को कभी ओझल नहीं होने दिया, ना उस जुस्तजू का साथ छोड़ा जिससे उसे शक्ति और कुव्वत मिलती रही। आप खुद क्या हैं और हिंदुस्तान को आगे चलकर क्या बनाएंगे? हमारे मुल्क का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। हम किसी मामूली मुल्क के नागरिक नहीं हैं। अपनी सरजमीन, अपने हमवतन, अपनी तहजीब, अपने रिवायतों पर हमें गर्व है, पर इस गर्व के ये मानी नहीं कि हम अपने अतीत को एक रूमानी गाथा समझकर उसकी पूजा शुरू कर दें और इसको अपनी शान समझकर और मुल्कों से अलग थलग रहें, उनके तौर तरीकों की कदर न करें। मैं खत्म करूंगा रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि की एक प्रार्थना से। जहां चित भयहीन, जहां पर ऊंचा रहता माथा हो, जहां न धरती को टुकड़ों में दीवारों ने बांटा हो, जहां मुक्त हो ज्ञान, सच्चाई से बानी आलोकित हो, उसी लोक में देश हमारा भारत चिर जागृत हो। जहां चित भयहीन, जहां पर ऊंचा रहता माथा हो, जहां न धरती को टुकड़ों में दीवारों ने बांटा हो, जहां मुक्त हो ज्ञान, सत्य से बानी आलोकित हो, उसी लोक में देश हमारा भारत चिर जागृत हो, भारत चिर जागृत हो। जहां कर्म का रथ बिन बाधा
हर पल बढ़ता जाता हो, रेगिस्तान न आचारों का विचार जल पी जाता हो, पौरुष का आवेग जहां पर रहता सतत अखंडित हो, उसी लोक में देश हमारा भारत चिर जागृत हो, भारत चिर जागृत हो, भारत चिर जागृत हो। हिरण्यगर्भात् समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेकासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान, जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। जिसके बल पर तेजोमय है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर, फैली है दिशाएं बाहू जैसी उसकी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर।